एटक से जुड़े मजदूरों ने सोमवार को निर्माण श्रमिकों की कौशल छात्रवृत्ति शुभ शक्ति योजना का लाभ दिलाने, क्लेम दिलाने, प्रसूति योजना का समय पर भुगतान दिलाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में निर्माण श्रमिक मौजूद रहे। निर्माण श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर सोमवार को एटक से जुड़े श्रमिकों ने जिला सचिव हनुमान प्रजापत के नेतृत्व में प्रदेश के श्रम मंत्री के नाम जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने निर्माण श्रमिकों की कौशल छात्रवृत्ति शुभ शक्ति योजना का लाभ दिलाने, क्लेम दिलाने, प्रसूति योजना का समय पर भुगतान दिलाने सहित मांग की। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में जिन भवन निर्माण मजदूरों को पंजीकृत किया गया उनमें से अधिकांश मजदूरों की डायरी ऑफलाइन बनी, जो वर्ष 2021 तक प्रभावी थी। बाद में सरकार ने ऑफलाइन मजदूर डायरियों को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन अधिकांश मजदूर अशिक्षित व अर्धशिक्षित होने के कारण डायरियों को ऑनलाइन नहीं करवा सके। कुछ समय बाद डायरी ऑनलाइन होना बंद हो गई। इस वजह से हजारों मजदूर कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रह गए। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से वर्ष 2016 में बनी मजदूर डायरियों को ऑनलाइन कराने की स्वीकृति प्रदान करने की मांग की, ताकि वंचित मजदूर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकें। ज्ञापन सौंपने के दौरान सैकड़ों निर्माण मजदूर मौजूद रहे।